हाय एवरीवन, आज हम करेंगे कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ में क्या करते हैं हम, यूजुअली कोई बड़ी इमेजेस, हाई पिक्सल इमेजेस, एचडी इमेजेस और बिग बैनर्स बनाने के लिए हम कॉरल ड्रॉ यूज़ करते हैं। हम जो चीज़ अडोब लोगो मेकर्स में नहीं कर सकते, वो हम कॉरल ड्रॉ के थ्रू करेंगे। कॉरल ड्रॉ एक एडवांस टूल है जिसके साथ हम कर्व, बॉडी, इमेजेस और टेक्स्ट के साथ काम करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे फाइल, न्यू फाइल। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारी बैकग्राउंड की विड्थ क्या होगी। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है मिलीमीटर्स में, तो मैं काम करूँगा क्योंकि मुझे एचडी इमेज बनानी है, तो मैं मिलीमीटर्स में करूँगा। अगर आप चाहते हैं इंचज़ में करना, आप इंचज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्सल्स में करना चाहते हैं तो इट विल कन्वर्ट इंटू पिक्सल्स। अगर आप चाहते हैं आपका बैनर बने और वो बहुत, अगर यूजुअली बैनर्स फीट्स में आते हैं क्योंकि बैनर्स बड़े होते हैं, इसलिए हम फीट सेलेक्ट करेंगे। तो फीट्स में हम यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट दे देंगे। हर चीज़ की विड्थ और हाइट हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और आफ्टर, जब हमारा बैकग्राउंड बन जाता है, हम उसके दोबारा बाद में भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। हमारा बैकग्राउंड, दिस इज़ आवर बैकग्राउंड। ओके, जूम टूल टू जूम। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सब लेफ्ट साइड में ये जो टूल हैं, ये किस किस काम के हैं और किस कब कब इनको यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट वन है पिक टूल। कोई भी चीज़ ड्रैग करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, डी सेलेक्ट करने के लिए हम पिक टूल यूज़ करेंगे। शेप टूल, किसी भी चीज़ की, कर्व की, बॉडी की शेप चेंज करने के लिए हम शेप टूल यूज़ करेंगे। इसमें है शेप, स्मज ब्रश, रफन ब्रश, फ्री ट्रांसफॉर्म, स्मीयर, ट्विडल, अट्रैक्ट और रिपल। क्रॉप, कोई भी चीज़ को क्रॉप करने के लिए, इमेज को, बॉडी को। जूम, फ्री हैंड टूल। अब हम इन सब के फंक्शन आपको करके दिखाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, सबसे पहले इसकी शेप चेंज करनी है। क्लिक ऑन रेक्टेंगल, जूम ऑन इट। शेप, नाउ यू कैन सी द रेक्टेंगल कि जो एजेस हैं वो कर्व भी हो गई हैं। ये कैसे किया, ये हमने रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, शेप टूल, शेप में गए, सबसे पहले शेप सेलेक्ट किया और इसकी नोड को प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करना है उसके ऊपर, और वो जितना आप चाहते हैं उतना कर्वी हो जाएगी इसकी एजेस। ठीक है, ओके। आपकी आप जो से जिस तरह आपने रेक्टेंगल को कॉर्नर चाहते हैं उस तरह उसको मोड़ सकते हैं। अब हम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके रेक्टेंगल का ये जो है आउटलाइन ये ज्यादा डार्क है, तो यू कैन गो टू द 20, 25। जितना आप चाहेंगे आप उतना कर सकते हैं अपने रेक्टेंगल की आउटलाइन को। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा रेक्टेंगल की कर्वी हो लाइंस, तो यू गो टू कन्वर्ट टू कर्व्स, क्लिक ऑन इट। फर्स्ट यू हैव टू गो टू शेप, क्लिक ऑन इट, टू कर्व, यू कैन कन्वर्ट इट टू एनीवेयर यू वांट। जैसे ही अब हम देख रहे हैं हमारा बैकग्राउंड ये है, हमें इतना जूम दिख रहा है। अब हम बार बार इसको जूम से प्लस माइनस करेंगे। इसका सबसे अच्छा एक तरीका, आपको दोबारा अपने बैकग्राउंड में जाना है, गो टू जूम टू हाइट। ये आपका बैकग्राउंड फिट हो जाएगा अपने आप अकॉर्डिंग टू स्क्रीन।
नाउ दिस इज शेप टूल। अब शेप टूल में सबसे पहले हमने आपको शेप बताया कि यहाँ से शेप चेंज करने के लिए शेप टूल है। ये कैसे किया, लेफ्ट क्लिक किया ऑन एनी साइड, गो टू कर्व्स शेप, जैसे मैंने ऑलरेडी इस पे शेप सेलेक्ट किया हुआ तो इसलिए ये दोबारा नहीं कहेगा, और आप चेंजेस कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। अब बाकी शेप टूल जो हमसे है स्मीयर, स्मीयर टूल है, आप स्मीयर का सर्कल यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि 300, 300 बहुत ज़्यादा आ गया, 50। स्मीयर टूल ने क्या करना है, स्मीयर टूल को लेफ्ट प्रेस किया, स्मीयर टूल कन्वर्ट करेगा कर्व्स में। अट्रैक्ट टूल भी करें, अट्रैक्ट टूल जैसे आपकी एक साइड है, आपने यहाँ से अट्रैक्ट किया वो सारी जगह अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट एवरीथिंग, दिस इज अट्रैक्ट टूल। अब इसके नीचे जो है वो है रिपेल टूल, रिपेल टूल रिपेल करने के लिए अपने से मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं अट्रैक्ट और रिपेल, सेम ही उसी तरह वर्क करेगा। अगर आप बीच में सेलेक्ट करते हैं ये दो लाइन को रिपेल कर देगा। थर्ड वन इज, अब मैं अपना क्लियर करूँगा, क्लिक डिलीट बैकग्राउंड क्लियर। नाउ क्रॉप टूल, वी ऑल नो अबाउट क्रॉप टूल। नाउ व्हाट इज फ्री हैंड टूल, फ्री हैंड टूल इज द लाइक फ्री हैंड मेक अ लाइन कर्व एनीथिंग, और यू कैन चेंज इट आल्सो शेप सेलेक्ट। ये जो है स्मूथ मोड, इसको स्मूथ करेगी, कन्वर्ट टू लाइंस, कन्वर्ट टू लाइंस, क्या किया है जो लाइंस में कन्वर्ट करेगी इसको। ये सब शेप्स की प्रॉपर्टी है, शेप की प्रॉपर्टीज है। क्रॉप टूल क्रॉप करने के लिए प्रेस एंटर, इट विल क्रॉप द सिलेक्टेड आइटम। नेक्स्ट टू पॉइंट बिजियर टूल, अगर हमने कोई सेलेक्ट करनी है लाइन, टू पॉइंट बिजियर टूल हमें लाइन सेलेक्ट करेगी टू पॉइंट के अंदर, इधर इट इज स्ट्रेट लाइन एंड लाइन, सेम। अब शेप टूल का काम क्या होगा इसके ऊपर, शेप टूल टू कर्व, टू कर्व आएगा राइट क्लिक करके, लाइन पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक देन राइट क्लिक, टू कर्व होल्ड, लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड द टाइम यू वांट टू कर्व। अब नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट फिल टूल, स्मार्ट फिल टूल की एक प्रॉपर्टी है, स्मार्ट फिल टूल हमेशा क्लोज बॉडी के ऊपर कलर करेगा, लाइक दिस, स्मार्ट फिल टूल ऑन क्लोज बॉडी। अगर बॉडी क्लोज नहीं होगी स्मार्ट फिल टूल कलर नहीं करेगा। यू कैन सी मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ स्मार्ट फिल टूल, कोई कलर, मैं यहाँ प्रेस करूंगा स्मार्ट फिल टूल कलर करेगा। स्मार्ट फिल टूल की एक प्रॉपर्टी है, स्मार्ट फिल टूल से हम जो कोई कलर करेंगे हम उस कलर को पिक भी कर सकते हैं। इस टूल को हमने क्यों यूज किया, अगर हमारी कोई जगह हम चाहते हैं कि सेलेक्टेड इस जगह पे ये कलर आए,
हम स्मार्ट फिल टूल को यूज़ करेंगे और उसके बाद वो बॉडी भी हटा सकते हैं जिसके साथ हमने स्मार्ट फिल टूल कलर किया। अगर हम चाहते हैं हमारे स्मार्ट फिल टूल में आउटलाइन आए तो यू कैन गो टू आउटलाइन 10 पिक्सल, कैन सी हियर इज आउटलाइन ऑन आवर कलर टू हाइट, नाउ डिलीट इट। अब हमारा आता है बिजियर टूल। बिजियर टूल किस लिए? आपने एक पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, थर्ड पॉइंट पे क्लिक किया, अपने आप वो लाइन कनेक्ट करेगा बिजियर टूल। अब ये एक क्लोज बॉडी है, स्मार्ट फिल ने कलर किया, यू कैन पिक दिस कलर हेयर। बॉडी एज इट इज है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट टाइम वी कम विद मोर वीडियोज एंड मोर फीचर्स ऑफ कोरल ड्रॉ। कीप सब्सक्राइबिंग। Thank you.